कोरोना के साथ मिलकर चक्रवात ने देश पर दोहरी मार के तहत मुसीबत बढ़ा दी है। जी हाँ, जिस प्रकार से पिछले दिनों ही तौकते को लेकर पूरा दक्षिण भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात समेत तमाम इलाकों में तौकते ने तबाही मचाई थी और करीब 200 से ज़्यादा लोग आज भी लापता हैं और अरबों की संपत्ति भी नष्ट हुई। अब भारत के पूर्वी छोर पर यास नाम के चक्रवात ने पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों में तबाही मचाना शुरू कर दिया है। आज तक के उड़ीसा में तबाही मचाने के बाद तूफान आगे बंगाल और बिहार झारखंड की ओर बढ़ चुका है और यहाँ पे भारी बारिश, आंधी तूफान चल रहे हैं। नुकसान का आकलन कल से परसों तक हो सकेगा, क्योंकि अभी तो ये तूफान शुरू ही हुआ है। एक ओर जहां पूरा देश कोरोना के कहर से कांप रहा है, वहीं एक के बाद एक चक्रवाती तूफान ने देश के बचे हुए स्थिति को भी और ज़्यादा चरमरा दिया है। शासन प्रशासन पहले से ही कोरोना महामारी के कंट्रोल में अस्त व्यस्त थी और अब चक्रवात से व्यवस्थित करने के लिए पूरा महकमा आनन फानन में लगी हुई है। हालांकि NDRF की टीम को अलग अलग जगहों पर तैनात किया जा रहा है ताकि रिलीफ का काम तेजी से कराया जा सके, लेकिन इन सब के बावजूद जो नुकसान होगा काफ़ी मुश्किल है और उसमें बरसों लग जाते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि गंभीर चक्रवात रूप धारण कर चुके यास ने उड़ीसा के तट से टकराकर लगभग 2-3 घंटे तक यहाँ खूब तबाही मचाई है। इसकी वजह से इलाके में तेज हवाएं और कई जगहों पर पेड़ उखड़कर गिर गए, सड़कों पर पड़े हैं और कई बिल्डिंगों के छत भी उड़ते नजर आए। पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र में कई किलोमीटर तक दुकानों और घरों में पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में रेड अलर्ट जारी कर दिया था, लेकिन इन सब के बावजूद मुसीबत बहुत बड़ी है। चक्रवात के खतरे को देखते हुए पश्चिम बंगाल में 12 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहले पहुंचा दिया जा चुका है। झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप में भी बचाव के लिए तैयारियां तेज कर दी गई है। उड़ीसा के पारादीप में तेज चक्रवात के कारण काफी मात्रा में नावों को नुकसान पहुंचा है। जो मछुआरे मछली पकड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे, वो वहां किनारे पर छोड़कर सुरक्षित स्थान पर तो चले गए, लेकिन नाव को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं झारखंड और बिहार में तेज हवा के साथ आंधी तूफान और भारी बारिश हो रही है और इस कारण से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। मौसम विभाग के अनुसार आज सुबह 10:30 से 11:30 बजे के बीच बालासोर से 20 किलोमीटर दक्षिण में उत्तर उड़ीसा के तट पर, इस दौरान हवा की गति लगभग 130 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा से शुरू हुई थी और 155 किलोमीटर तक रही। यहां से यह तूफान उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने लगा। इसके बाद 3 घंटे के दौरान धीरे धीरे गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया और 6 घंटे तक कोहराम मचाने के बाद धीरे धीरे कमजोर पड़ता दिख रहा है। तूफान के मद्देनज़र ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है ताकि कोई भी दुर्घटना ना हो। बहरहाल कोरोना से कांप रहे देश को इस तूफान ने एक और मार दिया है और उससे निपटने के लिए देश हमेशा पहले की तरह ही तैयार था, लेकिन इन सब के बावजूद नुकसान बहुत ज़्यादा है और आम लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सरकार राहत सामग्री वितरित करेगी, लेकिन जब तक राहत सामग्री आम लोगों तक पहुंचेगी तब तक तो उनका जीना दुभर हो ही जाएगा। और चक्रवात यास से रिलेटेड तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।